आपने देखा भीड़ कितनी है, आप छाया वाली जगह रुको। This vest should give a very cooling effect while we are riding in the plains in 40 degrees. Let's see how it performs. So, nana karte hue bhi around a 40 45 minute break this was. 2:22 p.m. It's officially back to the normal 40 degrees Celsius. I just hope the cooling vest that we are wearing from 98 degree Fahrenheit performs well. We actually waited for about 15-20 minutes for Vishwas and Amit to reach Ishwar Sweets, and when these guys came to 15-20 minutes aur lag gaye. That's how this last 40 minute break turned out to be. So these are just the final few turns before we hit the plains. Temperature is 38.5 degrees Celsius right now, and this is going to get worse. It's expected to reach 43. Oh ho ho ho, kya baat hai bhai sahab, bagani hai bilkul. Black color ki Yamaha R1 and the other guy on a Duke just accelerating. The pillion without any helmet, crazy. What is this psychology? I don't understand. That as a rider, I need to wear a helmet, but the pillion will is okay being without the helmet, and then you ride like this. I was at 100 when these guys overtook me, so you can very well imagine what sort of speeds these guys are clocking. And obviously, seeing a big bike, I don't know why they decided to overtake at over 100 speeds. Thank you for visiting Himachal Pradesh. Here we exit and 62 kilometers from Ambala. Petrol bharwa liya, 43.5 dikha raha hai temperature. Ab rukne ko mat karo harkat koi. Left mein lo aur chalte chalna lo. Toll tak pahunch raha hu dheere, theek hai. I am just crawling. This is crazy yaar, 43.5 yaar. Yeah, don't talk about it so much. Haan, let's not talk about it. Let's not talk about it. Normal hai. Aa jao. 6 baje tak ghar pahunchna. Aa jao. What beautiful cool breeze, crosswinds. Aur ye teen mahat 45 degree mein bike chalate hue. Kahan gaye the sone ke liye? Ek raat guzarne ke liye, sone ke liye ye gaye the Kufri. जाते समय तो उन्होंने जल्दी स्टार्ट करके अपनी बचा ली जलने से, बट आते समय ऐसा डिस्कस करने के बाद भी कि हम दोपहर को 3 बजे चालू करेंगे, इनके सुबह चुल जागी और ये निकल लिए। और अंत में नतीजा यही हुआ कि पीक भयंकर झुलसाने वाली गर्मी में ये पंचकुला से निकल रहे हैं। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दिखाता हुआ थपेड़े हिला देने वाले रूह को घर की तरफ प्रस्थान करते हुए हिमालयन 450 फॉर्मेशन में तीन जवान, हाँ, गन्ने का जूस एक बार फिर छोड़ते हुए। मैं ये बात पहले बता दूं आप लोगों को कि मैं 3:30 बजे ब्रेक लूंगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस। 3:30 बजे ब्रेक का क्या मतलब? हाँ, मतलब 25 मिनट बाद आई वॉन्ट टू अगेन हैव समथिंग, क्योंकि मेरे को ना सही रहना है। मैं ये मैं ज़्यादा देर नहीं खींचूंगा मैं एक साथ, फिर 2-3 मिनट का ब्रेक लेंगे, 5 मिनट का मतलब, चलो 7 मिनट 10 मिनट लगा लो, फिर चला लेंगे 1 घंटा। थोड़ा सा फ्लूड इनटेक करनी है, मेरा बस की नहीं है वो, गर्म पानी पीना, हाइड्रेशन बैग का, दैट इज़ टू मच। इन द मीन टाइम ट्राई एंड फाइंड वेयर डू वी हैव टू टेक द राइट फ्रॉम, इफ एट ऑल वी हैव टू टेक द राइट। ये क्या लॉजिक हुआ यार, ये तो मैं देहरादून ले जा रहा है अभी फिलहाल, रास्ता देहरादून पौंटा साहब यमुना नगर का फर्क है, मिलौट नजरिए का। नहीं चश्मा पहने रखो कोई बात नहीं, बट ये सोचो कि आप नूबरा वैली में हो इस समय, एक पतली सी रोड जा रही है, पतली सी रोड, दोनों तरफ रेगिस्तान, पर हवा के ठंडे थपेड़े लग रहे हैं गर्म की जगह, ऐसा सोचो, भूल जाओ कि 44 डिग्री दिखा रहा है आगे।
क्रूज कंट्रोल पे बाइक 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ते हुए, A1 ढाबा अप्रोचिंग, और ये शानदार ओवरटेक बस की छांव को एक सेकंड के लिए एंजॉय करते हुए। एकदम से और ठंडी हवा लगी, एकदम से आई थी छोटी सी, एकदम से सेक्शन में एक ऐसी ठंडी हवा का झोंका लगा कि मुझे छींक आने वाली थी। मैं आपके राइट में हूँ, वो दूर देखो आपको पहाड़ों की एक झलक सी दिख रही है, उसमें बर्फ गिरी पड़ी है सामने, बिल्कुल स्ट्रेट देखो है ना वो, हाँ वो तोलोलिंग है, वहाँ हमारे जवान खड़े हुए हैं हमारी देश की रक्षा करते हुए। हाँ, exactly. वो टोल हो जाएगा, ओए जान, क्या बात है, क्या बात है। तेरे पीछे गाड़ी है, मैं आगे आ रहा हूँ आपके। आई थिंक ही अप्रिशिएटेड द जेस्चर। काश मेरे पास भी वो रेमन वाली वाइट गेयर होती। मेरे को सर नाइट सूट लगता है मैं जो देख के उसकी गेयर। और उसमें उसकी अजीब सी छोटी सी कोट दिखी थी। हाँ हल्की थी। मैंने कूलिंग वेस्ट पहनी थी। हाँ। Are you able to feel the difference right now? अब एक्चुअली हम एक तो नॉर्मलाइज हो गए हैं उस कूलिंग वेस्ट वाले टेम्परेचर के से। लेकिन जब आप उसमें हिमालय में एक्सप्रेसवे चला रहे थे तो ठंडी मिली खाने। हाँ तब ठंडा लग रहा था कूलिंग वेस्ट में, अभी क्या है कि हाथ हाथ एकदम सड़ रहे हैं और जो बीच वाला एरिया वो नॉर्मल है, इट्स जस्ट नॉर्मल। ऐसे से ऐसे नहीं, सिर्फ गद्दे ऊपर नीचे करते यार, बाइक मत हिला। अच्छा दो प्राणी एक बाइक पे ठंडी हवा का मजा लेते हुए और एक गाड़ी में झुलसता हुआ। सो बेसिकली अगर आप लद्दाख जाके बोर हो चुके हैं तो है आपके लिए ये चैलेंज। अपने घर से बाहर निकलिए, 45 डिग्री के कूल तापमान में बाइक चलाइए, अलग ही एक्सपीरियंस प्रतीत हो रहा है ये हमें। लेकिन क्योंकि हम देश की सेवा में तत्पर हैं, हाँ, और टोलोलिंग की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, तो ये सब कुछ नहीं लग रहा उसके सामने। हाँ। बिल्कुल भी नहीं। और एक और चीज़ जो कुछ भी नहीं लग रही इस गर्मी के सामने, वो है टाइगर 900 के नीचे से निकलते हुआ भपका, वो ठंडी हवा प्रतीत हो रहा है। अभी तो शुक्र मनाए हैं आपके ऐसे प्यारे मौसम में आपको एक अच्छी रोड मिली है बाइक चलाने के लिए। अगर इसमें स्टॉप गो ट्रैफिक मिलता तो उसका आनंद देखते ही बनता। हाँ गरिमा देखते ही बनती है ऐसे मौसम में स्टॉप गो चलाने में। एक अपेड़े ने मेरा कोबरा जो है पीछे की तरफ फोड़ दिया था। इस कांस्टेंट स्पीड से अगर आप देखें तो हमें सिर्फ 13 किलोमीटर बाद को टर्न लेना है, जो थोड़ी देर पहले 35 था। अच्छा 13 किलोमीटर बाद ही है। और तो ऑन अ सीरियस नोट, अगर ऐसे वेदर में बाइक चलानी हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए डेल्टा, क्या आप बता सकते हैं? क्या कह रहे हैं आप, सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इस तरह का बहुत पंगा लेना ही नहीं चाहिए ना। अच्छा क्या लग रहा भाई? और देन आई थिंक अदर थिंग दैट यू शुड डू इज रिलैक्स द चेसी। रिलैक्स द चेसी। दैट वाज सम क्रूजिंग, हॉट क्रूजिंग, ब्लिस्टरिंग हॉट। टेम्परेचर इज बैक टू 43। वाओ अरे यार अब तो छाया सी आ गई यार, हल्की सी, ये भी कितनी प्यारी लग रही है।
छाए में आते ही 42.5 हो गया टेम्परेचर। अपने नैन चक्षु जरा इधर उधर घुमाओ, केमिस्ट की शॉप ढूंढो। हाँ आई वॉन्ट ओ आर एस, जल्दी जाओ दौड़ के लेके आओ भैया। हेलमेट तो उतरेगी यार, ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ आगे। तो पीऊंगा कैसे ये बताओ। वो मुझे नहीं पता। तो अंदर आ जाओ ना एक मिनट छाए में। नहीं है वो, आगे निकल गया, वो यही है। तुम जल्दी उतर के जाओ और खरीदो जो सामान। तो पीऊंगा कैसे? तुम पहले ले आओ तो सही। अच्छा जल्दी जाओ ना यार, ऐसे कैसे हो जाएगा? हाथ से ग्लव्स तो उतारूंगा, हेलमेट उतारूंगा। एक ग्लव उतारते, हेलमेट क्यों उतार रहे हो? प्रोक्योर द मटेरियल फर्स्ट। प्रोक्योर? हाँ। हेलो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर सर, वो होगा ORS है फ्लेवर वाला, ठंडा है? ठंडा दे दो जरा, कौन सा है? एप्पल फ्लेवर हो तो दे दो। हाँ एप्पल दे दो, दो। यू वॉन्ट टू हैव? हाँ एक मुझे, चार ले ना। चार दो, चार एप्पल वाले चार दे दो। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। कैसे पीते हैं इसको? स्ट्रॉ से आप पी पाओगे यूं लगा के। अच्छा ठीक है। हाँ काइंडली कॉल विश्वास कुमार। विश्वास को मैं दे दूंगा, तुम मुझे दे दो। यार देखो कुछ, वी हैव टू रिस्पेक्ट द एलिमेंट्स। इतने हार्श वेदर में चला रहे हो आप, कम से कम यू हैव टू रिस्पेक्ट। हार्श वेदर में एनर्जी सेव करने के लिए थोड़ा चुप भी रहना होता है। ऑरेंज या? हाँ ठीक है। हाँ दे दो, चार दे दो, चार दे दो। हियर इज वन फॉर यू। अब क्या हो गया? ग्लव क्यों उतार रहे हो? एक ग्लव उतारा है मैंने। यार मेरे कान में दर्द हो रहा है, मैं हेलमेट तो उतारूंगा एक मिनट, ऐसी की तैसी। बुढ़ मंगे ना लो। थैंक यू भैया। थैंक यू। व्हाट अ ब्यूटीफुल वेल मेड ORS, इट वाज हाईली पर्सनलाइज्ड। यस यस यस। आई ये भाई सब बेस्ट वे गेट लाइक। हां एंड वी आर ऑफ अगेन टुवर्ड्स पोलोनिंग आफ्टर हैविंग सम कश्मीरी कावा। We are back on the route to Tololing. I think it was a very good refreshment. That's how break should be, because we are on national duty. Yes, yes, yes. Small, effective breaks. The boys were played well. The electrolyte was coming straight to the mouth, and yes, yes. You know, and it was a good day. And, Miss Minar Marin. वो तो अभी बैठ के start कर रहा होगा। जो तरीके हैं वो अनेक हैं, बट उनमें से जो एक बेहतरीन तरीका है उसका नाम है पीनट बटर। अच्छा हाँ जी, तो क्या करते हैं पीनट बटर से च्युइंगम साफ करने के लिए? पीनट बटर को लदेड़ दीजिए और उतार दीजिए, वो खा जाए, वो च्युइंगम को उतार दे। ये अच्छा, ये मुझे जरूरत इसलिए पड़ी थी कि मेरे पास एक डॉगी है शिट्टू। हाँ उसके बालों में, उसकी दाढ़ी में अटक गया है बड़ी च्युइंगम। अच्छा तो क्या बाल थोड़ी काटता उसके? हाँ तो मैंने इससे उतार दिया, लेकिन चक्कर क्या हुआ इस प्रोसेस में, उसने दुनिया भर का ना पीनट बटर खा डाला, क्योंकि मैं लगाता था उतारने के लिए। अच्छा वो चाट जाता? वो चाट जाती थी चप 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 चप। अच्छा दिस ऑल्सो इज अ लिटिल हनी हनी चूट ड्राइवर। इसी प्रकार से पहुंच चुके हैं हम लोंगे वाला चेक पोस्ट, भारत का झंडा तिरंगा लहराते हुए सामने, और भारत के तीन जवान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, यार बहुत बड़ा झंडा लगा दिया। जय हिंद जय हिंद। सामने से ट्रक आ रहा है उल्टी तरफ को। ओ भाई ये क्या आइटम थी यार, आजकल वो रील चल रही है ना, उसमें बंदा ट्रक सामने जा रहा होता है पर बैक साइड पे उसने आगे वाला फ्रंट लगाया होता है डिजाइन। मेरे को तो लगा वही तो नहीं है, पर ये तो सही में आ रहा था। अच्छा ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, रॉन्ग साइड पे चलाओ और हाई स्पीड लेन में चलाओ। हाँ। ये गाड़ियां भी करती हैं कहीं, व्हाट इज द लॉजिक फॉर दैट? आई मीन ऑल द रॉन्ग साइड इज ऑल्सो नॉट लॉजिकल, बट क्यों क्यों क्यों?
Do you have any justification? अच्छा 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 ओके हाँ दैट कुड बी वन. मैंने अपने हाथों को लेके गया अपने घुटनों पे रखने रेस्ट के लिए और वहाँ पे आया भबका टाइगर की उसका तंदूरी. दैट मीन्स कि जो पैंट में प्रोटेक्टर लगे हैं तो उसके ऊपर हीट इंसुलेशन भी है जिससे नीज पे फील नहीं हो रही है. ये तो पता भी नहीं लगा यहाँ से ये वाला डिस्टेंस तो फ्रॉम ORS टू दिस प्लेस दिस वॉज क्वाइट एफर्टलेस. So we take a left from here. Correct. And just get back to the mainstream. You can already see the effects. Achha. Vishwas is already there. Chalo bhai yahan se to ab straight hi jana hai. Hamara lunch break ka kya bola tha aapne kahan hoga? Karnal. Karnal. यार क्रेटा यार हिंडई हैज जस्ट टेकन ओवर द मार्केट यार. हिंडई एंड किया एवरी थर्ड कार इज क्रेटा और हिंडई मतलब ये हिंडई और किया. पीपल आर नॉट गेटिंग बोर्ड. नहीं एक तो वो वैसे भी सीरियल लाइफ बहुत सारी चेंजेस करते रहते हैं यू नो पीपल आर स्टिल इट्स लाइक सैमसंग फोन S20 S21 2 3 4 नोट एक्स्ट्रा लार्ज प्लस सब निकालते रहते हैं बैठ के. इंडियंस को वही पसंद आते हैं मुझे लगता है फीचर्स. देखो सोनीपत पहुंचना है दैट इज माय टारगेट क्योंकि सोनीपत से मैं ईस्टर्न पेरिफेरल रोड ले लूंगा. आप मैं कन्वेंशनल रास्ते से जाऊंगा सीधा आश्रम से. अरे ये जराबे तो उठा देते यार हम. दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल जराबे. हां बल्कि मैं तो कह रहा हूं लगा लगे लगाई जगह छोड़ दो है ना इसका कवर बना दो तू जराबे और कभी कभी दो दिया करो भी. मिस्टर सोको आई फॉरगॉट इट वाज नॉट ऑन क्रूज. सर्दियों में हाईवे पे आते ना तो बढ़िया सा किन्नू या ऑरेंज जूस मिलता रहता है. कहीं भी रोको पी डालो साला. 44 वी बैक टू 44 व्हाट डिग्री सेल्सियस. करनाल इज 32 किलोमीटर्स अप्रोचिंग करनाल. अब तो पता भी नहीं लगना अब लग रहा है यार अब तो इट्स लाइक नॉर्मल टोटली नॉर्मल. वाओ और इसका भी है इधर इसने भी अभी उतारा है अपना अस्त्र शस्त्र. हाँ जी आप कब पहुँचे. अरे जुकाम वुकाम तो नहीं हुआ सर्दी में. हाँ जी सर्दी में जुकाम तो नहीं लग रहा. सर्दी में जुकाम. हाँ जुकाम वुकाम तो नहीं फील हो रहा. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. ठीक है एक्चुअली इनर पहना हुआ है ना. हाँ अच्छा अच्छा मेरीनो लाइनर पहना हुआ है ना हम लोगों ने. हाँ बच गए ठंड से. ठंड से बच गए बार बार. तोलोलिंग की पहाड़ियाँ थोड़ी आ गई हैं बस वहीं जा रहे हैं बस. हाँ चलो यार चलो वेरी नाइस वेल डन वेल डन. कपड़े धोने वाले बाबा कच्चे तो नहीं लगते हैं कच्चे. Rather be cloth. So we will wash this again. This is totally dry. तो मेरी वाली भी better होगी क्या? जैसे पापड़ नहीं हुई. मैं इस पापड़ phenomenon good or bad? I don't know. It depends on the kind of material which is used. But हमारे दोनों की ही I think 2 hours में चली होगी maximum. मेरी कम चली. अच्छा उससे पहले पापड़ हो चुका था मामला. सर्वे ही पहन रहा है गीला वाला भाई. कैसे पहनना? Can you please demonstrate? Yes. Okay. Wet balaclava. Yes. This goes back. Okay. And now it keeps your helmet and your head cool. तो इसमें से स्मेल नहीं आना शुरू हो जाएगी इस हेलमेट में से? नहीं नहीं. वैसे तो मौसम अच्छा. वॉश कर ले. पहन लूँ हेलमेट? वीडियो बनाऊँ और 10-15 मिनट का एक आपके साथ हुआ. 709.6 किलोमीटर्स फॉर द ट्रिप. आ जाओ. आ रहे हो सुहाना सफर और ये मौसम हसी हमें डर है हम पिघल न जाए कहीं.
you guys traveling from? 07AUA. Amazing. Honda and BMW. Amazing. Some travelers from abroad riding in the blistering heat. ने उस टाइम ना मैं जब यूं हो रहा था ना उसने यूं कर दी गाड़ी, मैं कुछ मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कुछ, और मैंने सोचा आगे आ जाएगा साला, चार फ्लाईओवर तक नीचे चलता रहा वो पूरा पानी पर नीचे से ही निकल जाना चाहिए था तुम्हें यार, मुझे रियलाइज ही ना, मुझे लगा एक खत्म होगा दूसरा आएगा, दूसरा भी निकल गया, तीसरा भी निकल गया, फिर चौथे पे आया। नहीं वो तो पूरा का पूरा बाईपास, पूरा भ्रमण करवा दिया पानीपत के। पानी चाहिए? पानी पानी लेते हैं। अब तो गॉगल की भी जरूरत नहीं है शायद। नहीं अब नहीं। गाइस वेल डन, वेल डन, चलिए सर, वेल डन, 45 डिग्री सेल्सियस, वेल डन, वेल वेल रिडन, वेल रिडन। सो आर राइडिंग रेंज इज नाउ एक्सटेंडेड टू 45 डिग्री सेल्सियस एंड इन द नेगेटिव इट्स लाइक व्हाट -10 तो देखा ही हुआ है हमने, तो ठीक है, बढ़िया है, चलो चले। थैंक्स यार, थैंक्स फॉर योर कोऑर्डिनेशन गाइस, थैंक्स थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। ओके चलो, आज पूरा सोनीपत भ्रमण हो गया, वो क्या था वो पानीपत अंदर उसके ना भाई, नीचे बसें ही बसें, करोल बाग बना पड़ा है नीचे यार। आई वाज वंडरिंग, मैं तो सोचा यार अब होता है खत्म, साला हो ही नहीं रहा, मैंने कहा ये पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। आप लोग कितनी देर हुई थी रुके हुए? हार्डली 4 मिनट। अच्छा अच्छा, प्रोसीड प्रोसीड, ओके आई विल क्रॉल। वैसे नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल तेल लगा के भी अगर राइड करी जाए तो सर तो ठंडा ही रहेगा। हाँ, जो चिरकुट निकलेगा अंदर से। हाँ यार वो तो हेलमेट खराब होगी, वो तो मैं समझ गया, लाइनर लाइनर के ऊपर भी कुछ अंदर एक चीज लग जानी चाहिए, लाइक अ कंडोम दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग डर्टी। हाँ कुछ ऐसा था, मतलब विच इज अ लिटिल नेचुरल इन टेक्सचर। So finally guys, after fighting it out in the blistering heat of the plains, we were at one point riding in 45 degree Celsius temperature. I was really not sure if I would be able to do this riding in the peak afternoon time, but I think the way we managed things with well planned out brakes and being connected on intercom, having ORS on regular intervals, giving our body the required nutrition, I think all of that worked fine, and here I am just cruising towards home. I should be there in about 50-55 minutes. So I'll end the video here. I hope you enjoyed the ride and learned some things about riding in peak summers, the brutal summers that North India experiences. So I'll see you in the next videos guys. Till then, bye bye, take care and ride safe.